मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। मामले का सुनी में हुआ खूनी संघर्ष, देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा की गुंडई। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा ने किए बुजुर्ग के साथ सरेआम मारपीट, फायरिंग का भी आरोप। सत्ता के नशे में चूर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा ने किए बुजुर्ग से सरेआम मारपीट। एक वीडियो में हाथ में राइफल लिए भी दिख रहे हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा। नाली की सफाई को लेकर हुई मामूली कहासुनी में हुई खूनी संघर्ष। बवाल में दो महिला समेत चार लोग घायल, सूचना पर सीओ समेत पुलिस के आला अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के कई वीडियो भी सामने आए। पीड़ित पक्ष का आरोप, पुलिस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा को बचाने में जुटी। घायलों का अब तक नहीं कराया गया मेडिकल परीक्षण। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दुलेरा गाँव की घटना। हरिओम भाटी, हरिओम जी, किस अभी आपके गांव में झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है और कौन सा गांव है आपका? गांव दुलेरा जी, ये दीपक दुलेरा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहा है। गांव में ये दबंगी चलाता है, काफ़ी लोगों को 20-25 लोगों को लेकर जो भी लोग मिले हैं इन्हें वो इन्हें के साथ मारपीट की है, काफ़ी फायरिंग बाजी गोलीबाजी करी है, राइफल वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं हमारे पास। तो कितने लोग आपके परिवार के लोग घायल हैं इसमें? इसमें 3-4 लोग घायल हैं। तो उन्हें कहाँ भेजा गया? महिला हैं, 2-3 घायल और 3-4 लोग, उन्हें सिकंदराबाद रेफर हॉस्पिटल के लिए कर दिया है। तो आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस काफ़ी लेट आई। तो अब तक क्या कार्रवाई की है उन्होंने? अभी कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक दबाश देने तक नहीं गई पुलिस घर पर। धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह, किस बात को लेकर आपके साथ? मैं सिक्योरिटी में नौकरी करता हूँ, 5 बजे मैं सिकंदराबाद से 5:45 बजे मैं अपने घर पहुँचा था। भैंस की धार काट रहा था, मुझे कोई विवाद की मेरा किसी से लेना देना नहीं। मैं सुबह को आता हूँ, शाम को 6 बजे अपने घर पहुँचता हूँ। मेरी जेब में 7,500 रुपये थे, जो कि मैंने अपनी घरवाली के कुंडल धर के अपनी घरवाली की दवाई लेके गया था, 500 कुछ रुपये की। दीपक दुलेरा, गौरव दुलेरा, बलवंत भोरा, सोनू प्रधान अरोड़ा और भी राहुल सनोप सतेंद्र, सोनू सनोप सतेंद्र, जितेंद्र सनोप जयप्रकाश और भी गांव के लोग। हम यहाँ अस्पताल में हैं, क्या इलाज मिला? हमारा कोई इलाज नहीं, मेरे यहाँ पे चोट है, मैंने कि मेरा यहाँ एक्सरे करा दीजिए, मैं परेशान हूँ, दिक्कत नहीं दी हमें कोई भी। और 1.5 घंटे बाद हमारे पास पुलिस प्रशासन पहुँचा। देखो ये मेरे ये इधर है, मैंने कही साहब मेरा एक्सरे करा दीजिए, प्राइवेट में करा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। कृष्ण पाल जी, किस बात को लेकर विवाद हुआ? नाली साफ करने के पीछे। अच्छा, वो नाली साफ करवा आया था जेसीबी लेके, वो दीपक दुलेरा का भाई है, वो प्रधान बना था आपकी बात। तो मैंने उससे बोला भैया नाली इधर साफ करवा, बोलो कि आपने मुझसे बोला, आपने वोट दी क्या मेरे को? मैंने भैया वोट तो किसी ने नहीं, आप प्रधान तो बन गए, साफ करो। बोलो जिन्होंने वोट दी उनकी नाली साफ कराऊंगा मैं। तो यहाँ अस्पताल में आप आए हैं, तो क्या डॉक्टर ने अब तक क्या ट्रीटमेंट किया है? सर एक इंजेक्शन लगाया मात्र जी, सर मात्र एक इंजेक्शन लगा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला मेरे को यहाँ पे। सर ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला, मात्र एक इंजेक्शन लगा सर उन्होंने। लहरा गांव में विवाद हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं, पथराव हुआ, इसमें क्या है पूरा मामला? इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। दुलेरा गांव में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के दुलेरा गांव में नाली सफाई को लेकर विवाद हुआ था, उसी में आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो गया है। और अपने जो यहाँ मौके मौजूद हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना भी हुई है, उसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी तहरीर थाने पर प्राप्त होगी उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अब फिलहाल क्या? अभी फिलहाल शांति है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा समेत 21 नामजद और 30 से 40 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ FIR। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। कलनाली की सफाई को लेकर हुआ था विवाद, जिला अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर मचाया था गांव में उत्पात। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेरा ने की थी बुजुर्ग के साथ मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक दुलेरा समेत 21 नामजद और 30 से 40 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ दर्ज की IPS की धारा 307 और 452, 354, 147, 148, 149, 323, 504, 506 में FIR। अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं की गई गिरफ्तारी।
अभी तक किसी भी आरोपी की नहीं की गई कोई गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार में रोष। बुलंदशहर के सिकंदराबाग कोतवाली क्षेत्र के गांव दुलेरा का मामला। बारिश के कारण इलाका छोटी नहर में हुआ तब्दील। बारिश के चलते ईद का त्यौहार पड़ा फीका। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। बुलंदशहर के कस्बा पहासू में ईद उल अजहा के मौके पर सुबह सुबह लोग जब घर से बाहर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के लिए निकले थे तो उस इलाके में बारिश के चलते इतना पानी भरा हुआ था कि मानो वह इलाका छोटी नहर में तब्दील हो गया। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से पानी में होकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी मस्जिद के लिए जा रहे हैं। नमाजियों का कहना है कि भारी बारिश के चलते इस बार ईद का त्यौहार फीका पड़ गया है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नगर चेयरमैन ने यहां की सफाई पहले ही कराई होती तो शायद यह नौबत ना आती। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, ये बताइए, आज ईद का वक्त है, ईद का मौका है आज, और आप नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो रास्ते में कैसी कठिनाइयों का सामना करना? बारिश पड़ रही है, पानी भर रहा, कोरोना का टाइम चल रहा है, चार पाँच आदमी नमाज पढ़ने आए हैं, ये दिक्कत हो रही है पानी की, दवाओं कपड़े देखिए ऐसी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नकी। नकी जी, आप ईद का शुभ अवसर है और इस मौके पर आप जो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, तो किस तरीके से रास्ते में आप चल रहे थे, क्या पूरा मामला है बताइए। बारिश हो रही है तो परेशानी बढ़ रही है, दुनिया भर की त्योहार का सारा मजा बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ कर दिया। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंजू कुशवाहा को उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा ने दिलाई शपथ। देखिए रायबरेली से कपिल तिवारी की खास रिपोर्ट। रायबरेली के विकासखंड सलोन में आयोजित ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंजू कुशवाहा को करीब 1:30 बजे उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा ने शपथ दिलाई। सलोन ब्लॉक परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंजू कुशवाहा को उप जिलाधिकारी सलोन दिव्या ओझा ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अंजू कुशवाहा ने ब्लॉक के सभी नवनिर्वाचित बीडीसी को शपथ ग्रहण दिलवाई। शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि शपथ ग्रहण के दौरान उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा के बार बार कहने पर भी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंजू कुशवाहा को नहीं समझ आया शपथ ग्रहण। वहां मौजूद लोगों ने जमकर लगाए ठहाके। पुलिस अधीक्षक व उपाधीक्षक के नेतृत्व में पैदल मार्च। देखिए लखीमपुर खीरी से आफ्ताब हुसैन की खास रिपोर्ट। बकरीद के त्यौहार को लेकर पुलिस अधीक्षक विजय ढुल व पुलिस उपाधीक्षक मितौली संदीप सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी मितौली अनिल कुमार सैनी ने मैं फोर्स के साथ मितौली कस्बे में पैदल मार्च कर जनता को अमन एवं शांति का संदेश दिया। वहीं मस्जिद के उलेमाओं से संपर्क कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बकरीद का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाए जाने का संकल्प दोहराया। कुर्बानी खुले में न करने की सलाह दी गई। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश में शहर की सड़कों पर पुलिस का रूट मार्च। बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर सदर कोतवाली पुलिस। बाइक और चौपहिया वाहनों की भी हुई चेकिंग। संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।